इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो जैसा कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को हम चालू किए थे, तो इसमें हम उद्यान विज्ञान की चर्चा करेंगे कि क्या है उद्यान विज्ञान, जो भी यूपीएससी यूपीपीसीएस तथा चाहे जो भी स्टेट का पीसीएस हो सब आता है, तो सब यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर उद्यान विज्ञान का अर्थ उद्यानों में फसलों व पौधों को उगाना अर्थात घर के समीप किसी निश्चित क्षेत्र में फल साग सब्जी अलंकृत पौधों मसालों तथा रोपण फसलों को उगाने से है। इसके बाद उद्यान विज्ञान को अध्ययन की सुगमता और विशिष्टता के आधार पर अधोलिखित भागों में विभक्त किया जाता है यथा, तो कौन कौन से हैं, तो पहला दिया है फसल उत्पादन, दूसरा साग उत्पादन, तीसरा फूलों उत्पादन, चौथा मसालों एवं रोपण फसल का सब्जी एवं फसल संरक्षण। तो हार्टिकल्चर स्टेटिक्स एंड ग्लास 2017 के अनुसार 2016-17 में कुल बागवानी क्षेत्रफल 24.9 मिलियन टन था, उसके बाद जिसकी औसत उत्पादकता 11.84 टन हेक्टेयर थी। इसके बाद वर्ष 2016-17 में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 295.16 मिलियन टन था, जिसमें फलों तथा सब्जियों का उत्पादन योग्यता 267.85 मिलियन टन था। ज्ञात है कि वर्ष 2012-13 में पहली बार भारत में सब्जियों फलों तथा अन्य हॉर्टिकल्चर का उत्पादन खाद्यान्न से भी ज़्यादा हुआ। वर्ष 2012-13 के देश में फल तथा सब्जी का उत्पादन 26.89 करोड़ टन हुआ, जबकि खाद्य का उत्पादन इस अवधि में 25.17 करोड़ टन हुआ। और 2013-14 एवं 14-15 में हॉर्टिकल्चर उत्पाद उद्यान उत्पादन से अधिक था। धातव्य है कि वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.11 मिलियन टन की अपेक्षा, यहाँ पे दिया है कुल बागवानी फसलों का उत्पादन 295.16 मिलियन टन से अधिक था। धातव्य है कि 2016-17 बागवानी फसलों के कुल उत्पादन में 59.3% हिस्सेदार सब्जियों की है और 31.5% फलों की थी। उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में एक स्वायत्त सोसाइटी की के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, जो कि यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा हुआ है। इसके बाद केंद्रीय बागवानी संस्थान तो में जी फेमा नागालैंड की स्थापना 27 मार्च 2006 को की गई थी। तो यहाँ पे दिया हुआ बायोडाटा, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारत की प्रमुख बागवानी फसलों फल सब्जियों एवं पुष्प का क्षेत्र उत्पादकता एवं उत्पादन, तो यहाँ पूरा दिया हुआ है, पूरा ये डाटा आप नोट कर लीजिए। और उत्पादन पे आएंगे तो फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन फल विज्ञान कहा जाता है। विश्व में कुल फल उत्पादन का 13% भाग उत्पादित कर विश्व में फल उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है भारत। संसार का 40% आम, 44.4% पपीता, 17.2% नींबू एवं 24.5% केला का उत्पादन कर विश्व में प्रथम
स्थान रखता है। धातव्य है कि संसार में सर्वाधिक फ उत्पादन चीन में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश तो 12.09, महाराष्ट्र तो 10.3 था, उत्तर प्रदेश 10.35, गुजरात 8.5, कर्नाटक 7.4, उसके बाद भारत 92.84। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, और हमारे चैनल को न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे प्रॉपर फायदा आप ही को होगा। तो आइए वीडियो को और आगे ले चलते हैं। यहाँ पे दिया, भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तदुपरांत महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात तो 9.1%, उसके बाद कर्नाटक 8% का स्थान है। फसलों की सर्वाधिक उत्पादकता कर्नाटक में तदुपरांत महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रमुख फसलों में सर्वाधिक तीन उत्पादक राज्य अधो लिखित है, तो यथा तो फल सिर्फ तीन उत्पादक राज्य, तो 2016-17 दिया हुआ डाटा, तो आम जो कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केला गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंगूर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, अमरूद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, लीची बिहार, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जान दीजिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके कटहल, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, उसके बाद काजू महाराष्ट्र, तो दे देगा काजू तो महाराष्ट्र मारिएगा, काजू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बादाम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, आंवला तो आंवला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद पपीता तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उसके बाद अनानास तो पश्चिम बंगाल, असम एवं केरल, उसके बाद नारियल तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद सेपोटा तो कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद अनार तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद अखरोट तो जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद संतरा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और नागपुर जानते रहिए कि संतरों के लिए ऑरेंज सिटी बोला जाता है, इसको भी जानते रहिए। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उसके बाद मौसमी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नींबू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद सेब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद कोको तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उसके बाद सुपारी तो यहाँ पे कर्नाटक, केरल, असम। तो अब हमको एक क्वेश्चन बताइए, सिरसी सुपारी के लिए अभी हाल ही में किसे GI टैग करीब 1-2 साल पहले दिया गया था, तो दिया गया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद नाशपाती, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके तरबूज, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, खरबूजा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तो क्या आप जानते हैं? तो पुष्प के अंडाशय के परिधि भाग को फल कहते, फल के दो भाग हैं तो फल भित्ति तथा फल, फल भित्ति का निर्माण अंडाशय के दीवारों से तथा बीज का निर्माण बीजांड से होता है। उसके बाद आभासी फल, तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, वाह्यदल आदि से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर आदि। इसके बाद अनिषेक फल, तो अनिषेक फल क्या होता है? तो कभी कभी फल का निर्माण अंड कोशिकाओं से बिना निषेचन के हो जाता है, तो फल जो होता है तो कभी कभी फल का निर्माण अंड कोशिका के बिना निषेचन, तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं होता, जैसे केला, अंगूर, पपीता आदि। तो के दे देगा एग्जाम में कि केला, अंगूर, पपीता आपके किस प्रकार के फल है, तो आप निषेक फल मार देंगे।
उसके बाद फलों के सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र, तो यहाँ पे फल, उसके बाद राष्ट्र, तो सन 14 में पूरा दिया हुआ है। तो सेब कहाँ पाया जाता है? ये डाटा बार बार चेंज होता रहा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्रोत पूरा दिया, क्योंकि अभी एक डाटा हमने आपको 16-17 के अंतर बताया, तो ज़्यादातर वही रहता, थोड़ा सा अंतर रहता है, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद फसलोत्पादन का महत्व, तो इम्पोर्टेंट आप फ्रूट, यहाँ पे सर्कुलेशन, तो फलों में वृद्धि में विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल सेवन की संतुलित की गई देश में फलों जो 2005 में 138 ग्राम पर व्यक्ति दिन में से बढ़कर 2016-17 में 2006 ग्राम व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। यह उपलब्धता संतुलित आहार, तो आज इसको पहले खत्म कर ले, ताकि नए वीडियो में नए जोश से मिला जाएगा कि आवश्यकता तो हैप्पी न्यू ईयर तो होता है, कल जनवरी के कुछ 26 जनवरी तक ही हैप्पी न्यू ईयर कहते, उसके बाद मार्च भी तो कहना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर, तो बने रहिए माय इंडिया चैनल के साथ। माय इंडिया चैनल आपके साथ लगा हुआ, कुछ करना नहीं है, बस वीडियो के घंटी को प्रेस कर देंगे और आपको पूरा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो मिल जाएगा। तो की आवश्यकता से दोगुनी भी अधिक है। प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता एवं आय की दृष्टि से फसल उत्पादन महत्वपूर्ण है। अनुपजाऊ व ऊसर भूमि में इमली, जामुन, आंवला, फाल, करौंदा आदि का वृक्ष लगाकर लाभ कमाया जा सकता है। तो इसके बाद मनुष्य ने भोजन के विटामिन का काफ़ी महत्व है, ये शरीर की ये शरीर के रोगों की रक्षा करते हैं। विटामिन डी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, सपोटा, अनार, कटहल और आंवला जैसे फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कुल आम का 44.1%, केले का 26.6%, पपीते का 42.6% भारत में उगाया जाता है। अंगूर की उत्पादकता के संदर्भ में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ज्ञातव्य है कि अंगूर के उत्पादकता में चीन प्रथम स्थान पर तथा भारत 8वें स्थान पर है। फल ऐसे फल जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधोलिखित है। विटामिन ए आम, पपीता, पहले आम आएगा फिर पपीता आएगा, उसके बाद पर सी मोन, और उसके बाद विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो बेल, पपीता, काजू, लीची, जो कि UPPCS में पूछे। उसके बाद विटामिन सी बारबेडोस, चेरी, स्वाद आंवला, अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन, तो UPSC में पूछा हुआ। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता, इसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है प्रचुर मात्रा में, अधोलिखित फलों में पाई जाती है, यथा रेजिन, अनानास, पींड, खजूर, उसके बाद करौंदा, केला, बेल, शरीफा, जामुन आदि। प्रोटीन की उपलब्धता, यह निम्नलिखित फलों के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यथा काजू, फिर बादाम, के बाद फिर अखरोट। तो वसा की उपलब्धता, शरीर में वसा आक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान
है। उसके बाद यह निम्नलिखित फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अखरोट तो 64.5%, उसके बाद बादाम 58.9%, उसके बाद काजू 46.9%, उसके बाद एवोकाडो तो 22.8%। उसके बाद कार्बनिक अम्लों की उपलब्धता यह शरीर में पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद साइट्रिक अम्ल तो बेरी नींबू वर्गी फल अमरूद नाशपाती। उसके बाद मैलिकम तो सेब केला चेरी प्लम बेर तथा तरबूज। उसके बाद टार्टरिकम तो इमली अंगूर जो खट्टे पदार्थ होते हैं तो इमली अंगूर। टार्टरिकम तो इमली भी खट्टा अंगूर भी खट्टा होता है, तो अंगूर मीठा मत कहिए खट्टा होता है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अमरूद खट्टे हैं, जो कि पाठ है वही पाठ यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो खनिज की उपलब्धता तो कैल्शियम लीची करौंदा अखरोट बेल। उसके बाद आयरन तो करौंदा खरबूज अखरोट सेब, जो कि UPPCS तथा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPCS में आया हुआ है। इसके बाद फास्फोरस बादाम काजू अखरोट लीची। इसके बाद फलों का वर्गीकरण तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट तो जलवायु के आधार पर फलों को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया जाएगा, यथा उष्ण कटिबंधी फल जैसे आम केला पपीता अनानास BPSC में पूछे। उसके बाद शरीफा कटहल काजू चीकू। उसके बाद ब्राजील नट एवं कमरथ आदि। तो उसके बाद उपोष्ण कटिबंधी फल जैसे अंगूर जो कि UPPCS। उसके बाद अंजीर संतरा नींबू अमरूद एवोकाडो UPPCS में पूछे। लीची बेर खरबूज फालसा अनार आंवला। उसके बाद लोकाट आदि। तो आइए वीडियो और आगे ले चले, और अब तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो घंटी को जरूर घनघना दीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ होंगे। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधी फल जैसे सेब नाशपाती आड़ू। उसके बाद आलू बुखार बादाम जो कि UPPCS में पूछे। उसके बाद खुराबी चेरी चिलगोजा। उसके बाद स्ट्रॉबेरी तेंदू रसभरी अखरोट चेस्टनर हेज़लनट पीकनट आदि। उसके बाद सदाबहार फल वृक्ष तो आम नींबू। उसके बाद लीची। उसके बाद चीकू। उसके बाद लो काट। उसके बाद पतझड़ी फल वृक्ष तो सेब आड़ू नाशपाती आलूचा सुबानी आदि। तो फलों के प्रकार के आधार पर फलों को निम्नलिखित रूप में बांटा गया है, यथा अष्टिफल तो आम जो कि UPPCS। उसके बाद बादाम। उसके बाद बेर। उसके बाद आलूचा। उसके बाद खूबा नीत का जामुन। उसके बाद नारियल। उसके बाद आड़ू आदि। तो उसके बाद बेरी तो बेरी पपीता केला चीकू खरबूज बेरी अमरूद आदि। उसके बाद पोम तो बेरी टाइस पपीता केला चीकू खरबूज बेरी अमरूद आदि। उसके बाद पोम तो नाशपाती लोकाट सेब आदि। उसके बाद हेस्पेरिडियम तो संतरा। उसके बाद नींबू वर्ग आदि। उसके बाद साइकोनस तो अंजीर आदि। उसके बाद नट तो नट लीची काजू आदि। तो ये सब नट टाइप में आते हैं। उसके बाद कैप्सूल तो कैप्सूल आंवला आदि। तो कैप्सूल में टाइप में आंवला ऐसा होता है। उसके बाद सालो रो
तारो, शीश, शहतूत, अनार, कटहल आदि से बेरी का पुंज फल शरीफा। उसके बाद ब्लास्टा, तो अनार आदि। उसके बाद दिया कैरी योपसिन, तो चावल, गेहूँ, मक्का, जव आदि। इसके खाने वाले भाग के आधार पर फलों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यथा। तो खाने वाले जो फल हैं उनको हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे मध्य फली भित्ति, तो आम, केला, पपीता, जो कि यूपी पीसीएस में आया है। तो एग्जाम में देगा कि आम, केला, पपीता किस प्रकार के फल में आते हैं, तो मध्य फल वित्ती के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मध्य फल वित्ती एवं अंत फल वित्ती, तो केला। उसके बाद मांसल पुष्पासन, तो सेब, नाशपाती, लुकाट। उसके बाद मांस ए रील, तो लीची। उसके बाद अंगूर, अमरूद, टमाटर, तो फल वित्ती व प्ले से टा। उसके बाद नारियल, तो एंडो स्पर्म, कैटिली डंस एवं एम्ब्रियो। उसके बाद अनार, तो रसदार टेस्ट आ। उसके बाद नींबू वर्ग, तो एंडोकार्पिक। उसके बाद जूही है। उसके बाद सहतूत, तो परिदल पुंज पेरियन है। उसके बाद बादाम, तो बीज। इसके बाद चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, तो एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो। उसके बाद बेर, जामुन, आंवला, फा, लता, चेरी आदि, तो वाय है एवं मध्य फल भित्ति। उसके बाद क्या आप जानते हैं, तो प्रमुख फलों के कुल, तो फल। उसके बाद कुल, तो आम, एक नाकार्डी एसी। उसके बाद केला, मूज एसी। उसके बाद अमरूद, मिंट्रे ए। उसके बाद पपीता, तो केई के सी। उसके बाद सेब, तो रोजे सी। तो यहाँ पे फल वृक्ष रोपण विधियाँ, तो उसको भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा कि फल वृक्ष तथा रोपण विधि में कैसे कैसे क्या हो। तो वृक्ष के रोपण विधि का चुनाव, पौधों की किस्म, धरातल, पौधे घन तथा जलवायु आदि कारणों पर निर्भर करता है। तो वर्गाकार विधि, तो वर्गाकार विधि, इस विधि में वर्ग, तो इस विधि में जो है कि वर्ग बना देंगे। तो इस विधि में इस प्रकार वर्ग वृक्ष को कोने पर लगाए जाते हैं, ताकि सरल से सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली वृक्ष रोपण विधि है। तो फिर से सुनिए, स्क्वायर सिस्टम, तो इस विधि में, तो फिर से सुनिए, देखिए, जानिए, जो कि फिर से हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस विधि में वृक्ष वर्ग के कोनों पर लगाए जाते हैं। यह सरल एवं सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली फल वृक्ष रोपण विधि है। उसके बाद आयताकार विधि, तो रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो यह विधि वर्गाकार की ही तरह है। इसमें पेड़ के से पेड़ की दूरी, पंक्तियों से पंक्ति की दूरी से कम रहती है, जिससे पेड़ों की संख्या में कुछ वृद्धि हो जाती है। उसके बाद पूरक विधि, तो फीलर सिस्टम, तो यह विधि वर्गाकार विधि की तरह है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के मध्य में एक वृक्ष और रोपण करते हैं, जो उसकी अवस्था प्रकृति का होता है और जिसे बाद में निकाल दिया जाता है। इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुना पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस विधि को पंचकोण विधि भी कहते हैं। इसके बाद खष्ट भुजाकार विधि, तो हेक्सागोनल सिस्टम। इस रोपण विधि को सम त्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहा जाता है। इसमें किसी एक
एक दी गई हुई दूरी पर लगभग 15% वृक्ष लगाकर वर्गाकार विधि से अधिक लगाए जा सकते हैं। इसमें 6 दिशाओं में पेड़ से पेड़ की दूरी समान रहती है। उसके बाद त्रिभुजाकार विधि, तो ट्राई एंगुलर सिस्टम यह विधि उच्च घनत्व रोपण में प्रयोग की जाती है। आम की आम्रपाली किस्म के 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद परिलेखा विधि, तो काउंटर सिस्टम, तो यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होती है। इसमें बेल पंक्ति बनाए ढाल के विपरीत दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं, फलतः मृदा कटाव को कम किया जा सकता है। तो आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका या कुल है। इसके बाद एनाकार्डिएसी है। इसकी उत्पत्ति स्थान इंडो वर्मा क्षेत्र माना जाता है। आम फलों का राजा कहलाता है। यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके बाद भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक व निर्यातक देश है। आम के फल से द्विलिंगी व एकलिंगी नरपुष्प पेड़ ही पेड़ पर पैदा होते हैं। उसके बाद इसके पके फल विटामिन ए तथा सी के स्रोत, तो उत्तम स्रोत है। भारत में आम के 5 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए माई इंडिया चैनल के साथ। धीरे धीरे आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रही बात तो इस समय UPSC के लिए जो कृषि पूछता है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, उसको पहले ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर बीच से भी आए हों तो भी पर्सनालिटी मत देखिए, क्योंकि पर्सनालिटी तो देखता है कि यार अच्छा से ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है ये, हाँ तो ये अच्छा है, तो वो सब तो आपका जाने, आपका काम जाने। तो आम उत्पादक राज्य, तो 2016-17 आम के प्रसारण की व्यवस्था विधि, तो भी नियर ग्रास्ट फीट है। इसके परागरण के लिए घर की मक्खियों का विशेष योगदान है। उसके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आम की प्रमुख किस्में अधोलिखित है यथा आम्रपाली। तो आम्रपाली इस किस्म का विकास दशहरी एवं नीलम के क्रास से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया, जो कि UPPCS में आया हुआ है। UPPCS मैंने 13 और 16 में इस जाति के पौधे बोने होते हैं। पौधों में कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह किस्म सघन बागवानी के लिए अच्छी होती है। इसमें 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर तक लगाए जाते हैं। इसके किचन गार्डन प्रजाति की संज्ञा दी जाती है। यह एक नियमित फल वाली प्रजाति है। उसके मल्लिका यह किस्म का संकरण नई दिल्ली IARI द्वारा किया गया। यह जाति गुच्छा रोग से प्रभावित होती है। तो अगर हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो कि क्लासेस होती हैं, तो सब कंटिन्यूअस ही
जारी रहेंगी। बस आपको कुछ करना नहीं है, घंटी होगा, घंटी को दबा दीजिए और वीडियो को देख जाइए। तो सिंधु यह एक नई किस्म है, यह महाराष्ट्र द्वारा नी काला रत्न का अल्फांसो गई है। इस किस्म के फल में गुठली नहीं पाई जाती, यह विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। निरंजना यह एक बेमौसमी किस्म है। यह किस्म के पेड़ जून जुलाई से नियमित फलते हैं, जो कि UPPCS 2010 में पूछा। उसका लांगड़ा तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार की प्रसिद्ध किस्म है। इस किस्म में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको नीलम यह एक अधिक पकड़ने वाली किस्म है। यह किस्म दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। उसके बाद रूड़ी क्या, तो यह आम की संकरण प्रजाति है, जो आम यक्ष वनराज के मध्य क्रॉस से विकसित की गई है। उसके बाद विटामिन सी एक कैरोटीन की समृद्ध स्रोत वाली आम की नवीन विकसित किस्में हैं। पूसा श्रेष्ठ, उसके बाद पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा एवं पूसा पीताम्बर, जो कि IARI भारत के में आम की विकसित किस्में हापुस अल्फांसो UPPCS केसर एवं गुलाब खास है। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में वर्ष में आम की 2 फसलें ली जाती हैं। आम के शीर्ष 10 उत्पादक राष्ट्रों में बांग्लादेश में आम की सर्वाधिक उत्पादकता संसार के सर्वाधिक पाई जाती है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से भारत संसार में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद बैगा लोरा, तो तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली आदि आम्र के निश्चित फसल वाली प्रजातियां हैं। तो गुच्छा, तो मैंगो, यहाँ पे मैलाफोमेशन तथा स्पंजी ऊतक रोग आम के प्रमुख रोग है, जो कि UPPCS 02। इसके अलावा एक आम में एकांतरी फसल की समस्या भी पाई जाती है। मिली बाग आम की प्रमुख हानिकारक कीट है, जो कि UPSC परीक्षा में। इस फल का आंतरिक ऊतक क्षय रोग बोरांस की कमी से होता है। तो फलों में रंग कूड़ू कड़ू कारण है। तो लक्षण गुड़, उसके बाद कारण उपस्थिति। तो आम में कैसैलापन, जैनिक इलोजिक गैलिन, जो कि पैलीफिनोल, बेल में कड़ुआहट, मार्मेलोसिन, उसके बाद बादाम में कड़ुआहट, एमाई लेडिन, इसके बाद पीपर में कड़ुआहट, आरिमोरेसिन, इसके पपीते में पीला रंग, तो कैरिका जैन थ्री, यहाँ पे जैन थ्रीन पिगमेट का होता है। तो उम्मीद कर रहे वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभमय हो।